गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की सुबह हो रही है मतियाना में, बहुत ही सुंदर व्यू है यहाँ से, बाहर जाके आपको दिखाऊंगी। तो हम रात को हमारे इवेंट जो हुए वन एक्ट प्ले और हुआ था गीतिका, अभी जो इवेंट होने हैं सोलो होना है, ग्रुप सॉन्ग और फोक डांस। तो ये तीन इवेंट हमारे रहते हैं, तीन चीज़ें हमारी रहती है आज के लिए। तो अभी देखते हैं, कल का तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हुआ, बच्चों ने बहुत अच्छी एक्टिंग की, आज का क्या होता है पता चलेगा अभी जाकर। तो दिखाएंगे आपको यहाँ का व्यू और मिलेंगे। सब रेडी हो रहे हैं ग्रुप सॉन्ग के लिए, सोलो सॉन्ग के लिए। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि आगर के होंगे श्रीमती रीता। परिवार झाटू पहना कर सम्मानित करेगा, देखिए कितनी अच्छी परंपरा है हमारी। हंस लीजिए जी पीछे। ठीक है।
मुख्य वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला थ्यू थ्यू की छात्राओं से मेरा निवेदन कि संस्कृति का विनाश उस दिन हो जाता है जब हम अपनी संस्कृति का प्रसार न करके उसके विघटन की ओर कार्य करना शुरू कर जाते हैं। अभी इन बच्चों की बहुत ही सुंदर प्रस्तुति थी, मुल्क सर्वोपरि हो, सारी चीजें पुरानी हो जाती है, छोटी हो जाती है, उसके सामने कोई भी चीजें कहीं मायने नहीं रखती है। अगर होता है तो सर्वोपरि हमारा राष्ट्र होता है। कहते ना कि सबसे ऊंचा कंधा हो नहीं सकता, कि सबसे ऊंचा कंधा हो नहीं सकता, जाति धर्म देश से बड़ा हो नहीं सकता, कि जाति धर्म देश से बड़ा हो नहीं सकता। जब दिया ही नहीं तो पार्टी का क्या करोगे, कि जब दिया ही नहीं तो पार्टी का क्या करोगे, जब मुल्क ही नहीं तो जाति धर्म का क्या करोगे, जब मुल्क ही नहीं तो जाति धर्म का क्या।
सोठे की पड़ी, जर्ब सब सोठे की पड़ी तो चपड़े भी चिल्लाने लगी, मैं के जगह तुम पुकारने लगी, मैं के जगह तुम पुकारने लगी। जगह साहब मैं ना विश्वास रखे, सब में विश्वास रखे, मैं ही मैं हूँ तो क्या मैं हूँ, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, हम ही हम है तो क्या है, पर मैं भी जगह भी रहने का जगह के साथ। प्लीज एक दूसरे के साथ जुड़े रहे, एक दूसरे की संस्कृति को अपनाते रहे, एक दूसरे के साथ मिलते रहे, एक दूसरे की भाषा को जाने, एक दूसरे के पहनावों को जाने, एक दूसरे की परंपरा को जाने, और एक दूसरे के सबसे ज्यादा एक दूसरे से प्यार करे। ये इंसानियत का रिश्ता है। इंसान चला जाता है परंतु इंसानियत हमेशा जिंदा रहती है, और वो इंसानियत हमेशा जिंदा। अगर किसी भी कार्य को आपने करना है, जीवन की दौड़ में आगे बढ़ना है, तो हमेशा आप एक्टिव मोड पे रहना चाहिए जैसे है। और धन्यवाद करूंगा आदर योग्य हमारे जो इस प्रवक्ता शारीरिक शिक्षा Thank you.
माध्यमिक पाठशाला सुनी सुंदर, बहुत ही सुंदर, शायद
स्नेहा है ये बच्ची, और यही शायद प्रधानमंत्री के समक्ष भी इसी बच्ची ने अपना विचार रखे थे। ढेर सारी शुभकामनाएं प्यारी बच्ची आपको, और आने वाले दिनों में ये मंच यूं ही सजते रहे, आप अपने विचारों से सभी को प्रभावित करते रहे। बहुत बहुत बधाई प्यारी बच्ची आपको। द्वितीय स्थान प्राप्त किया है राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बगैर देहाखंड ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। साहब आपने इंस्ट्रूमेंटल में रखा है वाद्य वादन में द्वितीय स्थान के लिए। हाँ बिल्कुल मिल गई है साहब, शुक्रिया केरू भाई, बहुत बधाई प्यारी बच्चियों आपको। और वाद्य वादन में प्रथम स्थान प्राप्त किया है राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रामपुर, उन्होंने अपना भरपूर योगदान और सहयोग देते हैं। मधुर यादव को संजोते हुए आज के मुख्य अतिथि महोदय के साथ बहुत बहुत बधाई सर आपको भी। द्वितीय स्थान प्राप्त किया है राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पोर्टमोर, क्या है राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बगैन को उच्चारण संस्कृत का ही है श्लोक उच्चारण, उसमें द्वितीय स्थान प्राप्त किया है राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कोटीघाट, कोटीघाट है ज्यादा प्रभावित हुए और इस विद्यालय। और श्लोकोच्चारण में प्रथम स्थान प्राप्त किया है एचपीएस निर्वा, एचपीएस निर्वा ये विद्यालय परिवार। बाद एकांकी, एकांकी में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है एचआईएस एचपीएस रोडू, ये भी हिमालयन पब्लिक स्कूल है, रोडू का है ये स्कूल। हैंडराइटिंग क्लास की देख में प्रथम स्थान प्राप्त किया है राजकीय उत्कृष्ट वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला निर्वा, बहुत बहुत बधाई निर्वा ने इसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया है। निर्वा के बच्चे आ जाइए ममता में कमलेश मैम, बहुत बहुत बधाई आप लोगों को, आज के बच्चे ने अव्वल स्थान इसमें अर्जित किया। सुंदर प्रस्तुति के साथ एक विषय वस्तु के साथ की किस रहेगा ये पल, याद रहेगा ये विद्यालय, याद रहेगा ये विराट मंच, और इस मंच के साथ है ये फोटोग्राफ। हाँ ममता मैम ब्लॉग भी तो बनना है अभी, होस्ट भी है, बिल्कुल बिल्कुल मैम, हाँ हाँ शुक्रिया मैम, बहुत बहुत बधाई। आप तो ही ले गए, हम लोगों को तो पूछा नहीं, चलिए अभी हम तो दो दिन और रुकेंगे। इसके बाद एकल गान सुगम संगीत। हमारी बहन बीमार हो गई है यहाँ पे, थोड़े से स्वस्थ हो गया। ये देखो अब यहाँ पे आ गए हैं बॉयज, हमारी जगह बॉयज की एंट्री हो, और अब हम भी निकल रहे हैं वापस। हमने भी थोड़ी सी पैकिंग करनी है अपनी, क्योंकि रात भर में सफर करना है, बहुत ज्यादा शोर है बॉयज। अभी अभी बजे हैं 12 और यहाँ है किसका बर्थडे, नैन्सी का बर्थडे। टू यू हैप्पी बर्थडे, टू यू हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। ठीक 12 बज के कुछ मिनट हुए, और ये देखो हमारा इधर आगे वाली जो हमारी गाड़ी थी उसके टायर पंचर हो गया, और अब हम सब बैठे हैं इधर। नैन्सी किस वक्त पे पैदा हुई, टायर ही पंक्चर कर दिया है, पैदा होते ही हमें यहाँ खड़ा कर दिया। इधर हमने इसको बर्थडे विश किया और उधर हमारी दूसरी गाड़ी खड़ी हो गई। क्या हाल, अभी पता नहीं हमें, मन्नत तो कंडक्टर है, अभी हमें बहुत टाइम लगने वाला है यहाँ पे, क्योंकि क्योंकि कैरियर के ऊपर बहुत सारा सामान है और उसके नीचे ही टायर है, तो पहले वो पूरा सामान उतरेगा, फिर वो टायर निकलेगा, और उसके बाद हम यहाँ से जा पाएंगे। हाँ सो जाओ या जल्दी से जाओ, हेल्प करो ताकि फटाफट से। चलो ठीक है, अभी बैठ जाओ इधर ही। और आ चुके हैं 2 अक्टूबर, अभी 1:30 बज रहा है, और अभी जाके हम पहुंचे हैं, और
और अभी उठाएंगे हम सामान अपना सारा, यहाँ से उतारेंगे और स्कूल पहुँचाएंगे। और दूसरी गाड़ी है हमारी। हाँ जी पहुँच गए, सेफ सेफ अराइवल है, धन्यवाद। चलो तो होता रहता है थोड़ा बहुत।